अम्बेडकर जी के 137वां जन्म दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबको जगाने वाले, दलितों को जगाने वाले और लड़ना सिखाया और सत्ता का भी टेस्ट सिखाने वाले मानवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। हमारे बीच में हमारी रिश्ता कर रही इस मंडल की एक लौती विधायिका माननीय श्रीमती सुषमा पटेल जी, मुगरा वासापुर। हमारे बीच में जो बहुत ही आप सब जानते हैं, एक बार नहीं कई बार यहाँ रह चुके हैं, माननीय जोनल कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मिर्जापुर MLC भी आप रहे हैं, सदन के बड़े सदन के मेंबर रहे हैं, माननीय डॉक्टर राम कुमार कोजी साहब। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार भागड़ी जी, हमारे बीच में हमारे छोटे भाई कह लीजिए पूर्व विधायक काईसर राजभर जी, हमारे बीच में जोन इंचार्ज राजेश भारती जी, हमारे बीच में कई बार साथ काम करने का मौका मिला है, हमारे बीच में रामचंद्र गौतम जी, आप बहुत ध्यान से पता का नाम छोड़ जाए, हमारे छोटे भाई अमरजीत गौतम जी, और हमारे बीच में संचालन भी कर रहे हैं और जोन के इंचार्ज भी बने घूम रहे हैं, दोनों काम एक ही साथ कर रहे हैं। अनीश कुमार जी हमारे पास, हमारे बीच में विकास गौतम जी जोन इंचार्ज, अतुल राय जी पूर्व प्रत्याशी जमानिया, हमारे बीच में हमारे छोटे भाई हमारे ब्लॉक के रहने वाले हैं, पूरा का पूरा सोनभद्र मिर्जापुर में तहलका मचाए हुए माननीय विनीत सिंह जी, जो बहन जी के आशीर्वाद से आपके बगल में सरदार विधानसभा से आप चुनाव लड़े थे, डॉक्टर हमारे रमा शंकर राजभर जी, हमारे बड़े भाई कह रहे कि छोटे भाई चौहान जी, अरे छोटे भाई से ही काम चलाओ यार, हम तो साछा लगने में 4 महीना और बाकी है। हमारे बीच में हमारे वीरेंद्र भाई पूर्व चौहान MSC और रघुनाथ चौधरी जी पूर्व राज्य मंत्री, माननीय गीता कुमारी पूर्व प्रभारी और आई। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं देवव्रत शर्मा जी, राजेंद्र सिंह जी, तिलकधारी बेन जी, ब्रजेश बेन जी, ब्रजेश यादव जी साथी में हैं, और हमारे बीच में अहिया खां बब्बन थे चले गए, और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी, जिला अध्यक्ष जो हैं सभी जिलों से आए हुए विधानसभा जिला अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों जिनका नाम नहीं लिया जा सका, कुछ साहब को जल्दी जाना है इसलिए शॉर्टकट में मार रहे हैं, मंच पर तमाम परिचित आदमी बैठे हुए हैं, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन आपके साथ करता हूँ। साथियों, आज बहुत बात हो चुकी है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है साथियों, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि जिस महापुरुष का हम लोग जन्मदिन मनाने आए हुए हैं वो कोई मामूली महापुरुष नहीं थे। लोग कहते हैं देने वाला देवता होता है, लेकिन साथियों इस देश में लेने वाले ही देवता हो गए, लेकिन बाबा साहब एक ही देवता निकले जो सारे देवताओं की बात को काटते हुए ये सिद्ध कर दिया जो कृष्ण गीता में कहा था, कर्म ही पूजा है। और बाबा साहब ने जितना आपका अधिकार छीना गया था मनुवादी व्यवस्था में, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार जितना छीना गया था, भीमराव अम्बेडकर साहब आगे धरती पर पूरा जीवन लगा दिया। साथियों बीमार थे, आप पढ़ो लेके लास्ट आवर का जो जीवन उनका है बहुत तकलीफ में रहा, लेकिन आपकी बिगड़ी बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन की परवाह नहीं किए, रात भर नींद नहीं आती थी तो भी कलम चलाते रहते थे, ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था, तभी बाबा साहब आपकी बिगड़ी बनाने के लिए लड़ते रहे। साथियों बड़ी कुर्बानी के बाद आज ये कर्म आगे बढ़ा है, बाबा साहब ने मौलिक अधिकार आपको दिया, इस देश के गिराए गए, पिछाड़े गए, रोदे गए लोग, हम लोग कमजोर कभी नहीं थे, हम कोई मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमको पिछड़ा है, हमको गिराया है, हमको रोदा
इसलिए साथियों एक बात ही कहकर जाना चाहता हूं, समय कम लूंगा क्योंकि साहब आगे बढ़ना है। जिस आदमी जिस समाज के लोगों ने हमारे बाप दादाओं का मई देखना पसंद नहीं किया और हमारा अच्छा घर देखना पसंद नहीं किया, हमारे बाप दादाओं का अच्छा कपड़ा पहनना पसंद नहीं किया, यही तक नहीं जिस किसने गीता में कहा आतिथ्य वैभव होता है, कौन वो लोग आए बेईमान लोग इस देश में जिन लोगों ने जिसमें कुत्ता खाना खाया उसमें इंसान को खाना दिया गया, ये कौन मजहब के लोग थे, ये क्या सनातन धर्म वाले थे। सनातन धर्म में तो हम लोग हैं जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो गैर बराबरी खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए साथियों बहुत दिन बहकाया इन लोगों ने, अब बहकने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहकते रहेंगे ऐसे ही 15 लाख खाते में आएगा, 1.5 लाख फिर मिल जाएगा, 2 लाख नौकरी मिल, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। अरे मोदी भैया कितना झूठ बोलवा यार, तू तो झूठ बोले में विश्व चैंपियन हो गए भाई, झूठे की खेतियां खून की। कल भी आपने भाषण सुना होगा, बेचारा ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ट्रेन में बैठ के जा रहा है। अरे हिसाब किताब मंगाई, जब सरकार तुहार विदा होके जाई तो फिर प्रधानमंत्री के हिसाब किताब मंगाई। कहा हो ब्रजेंद्र भाई, नहीं मंगाई छोटो जाई मंगाई। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ट्रेन से आकर के इसलिए कि बाबा साहब के जा रहे हैं उद्घाटन करने, जो बाबा साहब को ये लोग देखना पसंद नहीं किए कभी, उसी बाबा साहब को लेके मोदी जी झंडा टांग के होड़ लगाए हुए हैं कि 14 के पनवत्य रहे को हम मना के लोगों को बता दें कि हम भी बाबा साहब के हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री सच बोल देता है, वो बेचारा कहा एक बार झटके से कहा गया, लेकिन ये बीजेपी वाले जो आरएसएस वाले हैं, ये जो मनुवादियों के लाश हो ये कफन बदल गया है, भ्रम मत कभी पालना। मदरसे में राष्ट्रीय झंडा लहराएगा लेकिन नागपुर के आरएसएस के कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लहराया, कौन झंडा लहराता है, यही है गेरुआ हो, यह गेरुआ लहराता है। दो लड़कों तिरंगा लहराया था, छिपी बात में प्रेस वाले सुनते हो गए, 13 साल मुकदमा चलने के बाद दो नौजवान लड़के बहाल हो पाए। साथियों ये इनका संविधान को नहीं मानते हैं, ये संविधान तोड़ने वाले हैं। अतुल ने प्रकाश डाला है उधर हमको नहीं जाना है, इतना कहना जरूर चाहते हैं कि अगर आप होश में नहीं आए पिछड़ी जात के लोगों दलितों एक साथ खड़ा नहीं हो गए तो निश्चित है कि आप देश में हजारों साल तक दबाए गए, कुचले गए, रौदे गए, गिराए गए, पिछाड़े गए लोगों। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं या आरएसएस के लोग ये मनोवादी पीछे खड़े हैं जो संविधान को पहन सेना चाहते हैं, ये देश फिर से वापस अपना लेना चाहते हैं। हमारा आपका काम है कि एक एक कतरा जब तक रहेगा बाबा साहब के संविधान की हिफाजत करेंगे, यह व्रत ने क्या जाना है, चाहे जितना खून बहाना होगा बहा देंगे लेकिन बाबा साहब के संविधान को छूने नहीं देंगे। साथियों नहीं देंगे, नहीं देंगे, यह व्रत ले के जाना है और जागृति पैदा करना है। हिंदू मुसलमान अगर आप पिछड़ा बड़ा खरखा हो तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे खंडा में भी काबिल लोग हैं। हमारी शेरनी बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, मजाक क्या था किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती थी। साथियों अच्छे अच्छे को जेल में छुस करके टीने में रख दिया, औकात मिला दिया। साथियों अब उस गुंडे का नाम कहीं नहीं आता है, सुधारने किसी को शेर बकरी को पानी पिलाने आता है तो शेरनी बहन मायावती को आता है। अगर सरकार बनी तो जितने दिखाई पड़ रहे हैं एक एक जेल के अंदर हो गए। साथियों आज जो भाग रहे हैं, जो कल पार्लियामेंट में आज गिरा रहे थे, आज तुम गरज रहे हो तुम फिर गीदड़ की तरफ से पार्लियामेंट में रोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर सरकार बनाएंगे और इसी यही से नहीं, इसी चंदौली से लेकर के गाजियाबाद तक ये नीला झंडा लहराएंगे। बहन जी को 15 में ये जो चुनाव आ रहा है 19 में फिर बहन जी से भी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यह कसम खा के आज हम लोग यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत संख्या में आए हैं,
आज जयंती भी गांव गांव मनाई जा रही है। अपने घर से हमारी बात सुने, हमारे भी मुख्य अतिथि आ रहे हैं, आप उनकी एक एक बात सुन के जाएंगे। बचा हुआ समय लमाने खींचते हुए आपको देता हूँ, आप जम के भर पेट लड़कार के तब काशी की धरती से जाइए, क्योंकि माँ गंगा बगल में बहती है। यहाँ तो हम लोग है तो हमारी माँ है ही है, पानी देती है, जो देता वही देवता। यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, गाय भी देवता और उसके बछड़ों क्या करके आप लोग बता दीजिए। माँ तो गाय सेवा हम करते ही हैं, लेकिन रतिया भर जो कूद के खेतवा चले उनको क्या कहा जाए। अब बात पकड़ में आई, मोदी जी बड़े बेईमान लोग हैं। हमारे बिटिया ने कहा, किसने कहा हमको याद है, विधायिका जी ने कहा ये माँ गंगा के गंगा जल से तो आरती होती होती है, लेकिन माँ गंगा के यहाँ जो जाता है अंतिम में उसको मोक्ष भी मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, तुम घूम घूम के लंबा लंबा बड़ा बहुत बोलने को गुस्सा है यार, कितना बोलेंगे, क्या छोड़ दे। अरे पुलिस साहब, ए अपने मस्त है, नहीं नहीं बोलते नहीं रहेंगे, उनका टाइम को जाना भी प्रोग्राम है। इसलिए साथियों, ये गंगागढ़ काशी को साफ कर दे मोदी जी, ये इतना रुपया खर्चा करने की काम जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काशी को साफ कर दो मोदी जी। आप यहाँ से MP हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री आप हो गए हैं, खाली बनारस को ठीक कर दो, पूरे हिंदुस्तान का बहुजन समाज पार्टी मिल करके ठीक कर देगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सुन लेना, 19 के चुनाव में जो भाषण देते हो, केलबेर का संग, सांप से छुंदर का संग, और जब बाढ़ आती है सबसे चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारा जानवर हाथी है ये पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, उठा करके जब फेंकेगा तो थू नहीं बनारस से फेंकेगा, हमारी हाथी से उठा के तो कहाँ गिरेगा, गुजरात में। चिंता मत करो भैया लोग, बहुत ठगे हजारों साल हमारे बाप दादाओं को, हम लोग भी पढ़ लिखे हैं, अब ठगाएंगे नहीं, अब तुम्हारी औकात में तुमको रख के बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमस्कार।